अब हम आईवीएस की सेटिंग देखते हैं कि कैसे करते हैं, लेकिन याद रखिए कि एक ही चैनल पे दोनों फंक्शन इनेबल नहीं हो सकते। हाँ, ये हो सकता है कि एक चैनल पे एसएमडी, हाफ चैनल पे एसएमडी और एक चैनल पे आईवीएस आप कर सकते हैं। वरना क्या है कि जो हमारा 5104 है या 5108 है, इसके अंदर एक चैनल पे आईवीएस आप इनेबल कर सकते हैं और 16 वाले पे दो आप जो है कर सकते हैं, एसएमडी जो है सारे चैनल्स पे आप कर सकते हैं, चार वाले में चार पे। तो इसका मतलब यह है कि दो चैनल पे एसएमडी और एक चैनल पे आईवीएस भी आप चला सकते हैं, अगर आप दोनों मिक्स एंड मैच मोड में चलाते हैं, एक पे एसएमडी और एक पे आईवीएस, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही कैमरा है, तो मैं पहले इसका एसएमडी डिसेबल करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आईवीएस में जाता हूँ। आईवीएस में जो है क्या होता है, चार नंबर चैनल सेलेक्ट करूंगा। इसमें जो है दो फंक्शन है, एक है इंट्रूजन, एक है ट्रिप वायर। क्लिक करते हैं ट्रिप वायर या इंट्रूजन। ट्रिप वायर में क्या होता है, लाइन क्रॉसिंग। लाइन क्रॉसिंग में आप जो है लाइन बनाते हो, ठीक है, और उसको जो है उस लाइन का कॉन्फिगर करते हो। एक मिनट, बहुत क्लोज पड़ा है कैमरा, तो ये आप जब इसको कॉन्फिगर करते हैं, ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है ए टू बी, बी टू ए या बोथ। ए टू बी का मतलब कि ए टू बी आप जो है उसमें अलार्म आएगा, बी टू ए जा सकते हैं। इसी तरह बी टू ए में अलार्म आएगा और जब उल्टा आएंगे तो नहीं आएगा अलार्म। ठीक है, इसी तरह बोथ वे है कि इधर से आएंगे या इधर से आए, दोनों तरफ से अलार्म आएगा, यानी हेड की तरफ जो है ना अलार्म आएगा आपका। ठीक है, ए टू बी करते हैं। ह्यूमन या व्हीकल का फिल्टर सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। ये आपका रूल जो है डिफाइन हो गया और इसको सेव करेंगे, ये सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब आप जो है इसको लाइव व्यू में, ये हमने एआई मोड इनेबल किया था, तो यहाँ पर ट्रिप वायर का अलार्म भी आ गया आपके पास। देखें, जब मैं इधर से इधर आता हूँ तो तब अलार्म आता है, वरना जो है नहीं आता अलार्म। ये देखें,